आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और सभी सम्मान्य नेतागण, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में बड़े उत्साह के साथ जिन्होंने आज प्रवेश किया है, माननीय राम सिंह जी, रामवीर जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज ये बहुत खुशी की बात है कि बिधुड़ी जी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और जो बात उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है उसके लिए मैं सबसे पहले उनका अभिवादन करना चाहता हूं। मेरी लगातार उनसे बातचीत होती रही और उन्हें आखिरी में मुझे कहा, नितिन जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमने देश को बचाना चाहिए, हमारा भारत का सोना गिरवी रखना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आई है। एक डॉलर की के साथ एक रुपया 1947 में मिलता था, अब उसकी कीमत 68 रुपये हुई है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है और भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है और इस समय इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि देश का कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री या सांसद बनेगा। इससे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे देश को हम कैसे बचाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इस बात को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, कोई टिकट नहीं मांगा, कोई कंडीशन नहीं रखी और बड़े बहुत ही संवेदनशील मन के साथ भारतीय जनता पार्टी में आखिरी तक पूरी ताकत के साथ मैं काम करूंगा, इस प्रकार का वचन उन्होंने दिया है। और एक बात है कि उनका प्रवेश यानी हम विजय की ओर जो पूरी शक्ति के साथ बढ़ रहे उसका एक द्योतक है। रामवीर जी आए, ये तो ट्रेलर है, अभी भी फिल्म शुरू होना बाकी है। और बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में दिल्ली की जनता ने यह तय किया है कि अपना वोट जो है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश का सत्यानाश किया, महंगाई, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, हमारी बाप माँ बहनें रास्ते पर सुरक्षित नहीं है, कानून और व्यवस्था के धज्जियाँ उड़ा दी, उस कांग्रेस पार्टी से अब देश को मुक्त करना चाहिए, ये संकल्प दिल्ली की जनता ने किया है और जनता अपने वोट का सही परिणाम भी चाहती है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज रामवीर जी हमारे साथ आए, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ हुए सभी कार्यकर्ता, नगर सेवक सबका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मानपूर्वक कार्य करने का पूरा मौका दिया जाएगा और हम सब मिलकर हम कांग्रेस की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई और हमारे देश के एक बार हमारा देश आज जिस प्रकार से जिस हालात में लाकर रखा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है, ऐसे स्थिति में इस देश को बचाने का जो काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें आने वाले ये कार्यकर्ता दूध में शक्कर डालकर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से हमारे कंधे से कंधा लगाकर काम करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं रामवीर जी का और उनके साथ आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।